वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति एजुकेशन सेंटर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टेंस विच इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उससे पहले मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी, ये लास्ट टेंस है और आप इस लेवल तक पहुंच गए। पर टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके बाद हमारा टेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आई होप अब आप कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। तो चलिए इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन, व्हेन टू यूज और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में मैं फुल डिटेल्स के साथ तीनों टाइप के सेंटेंसेस अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव के बारे में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एक्सेप्शंस, कॉमन मिस्टेक्स और आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज आल्सो कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस बोलते थे, इसी तरह से यहाँ भी हम कंटिन्यूअस की तरह प्रोग्रेसिव यूज कर सकते हैं बिकॉज द वर्क इज इन कंटिन्यू। अच्छा, इसकी पहचान क्या होती है? इसके सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि लगता है, ये तो बिल्कुल फ्यूचर कंटिन्यूअस जैसी पहचान हो गई। उसके लास्ट में भी यही लगता था, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? इसमें क्या डिफरेंस होता है? इसमें हमें स्टार्टिंग टाइम भी दिया जाता है कि टाइम का कितना हो चुका है उस टाइम और वो अभी भी वर्क कंटिन्यू है लेकिन फ्यूचर में। जैसे कि फ्यूचर में हम कोई बात सोच रहे हैं कि वह कल पत्र लिख रही होगी, तो ये तो हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन अगर मैं इस पर टाइम भी ऐड कर दूं, वह कल इस समय 2 घंटे से पत्र लिख रही होगी, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि हमने इस पर स्टार्टिंग टाइम दे दिया कि सपोज हमें पता चल जाएगा जब हम पत्र लिख रहे होंगे कि कितना वो वर्क, कितना टाइम उसका फिनिश हो चुका है। जैसा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्टार्टिंग टाइम दिया जाता है लेकिन फिनिशिंग टाइम नहीं, क्योंकि उस समय वर्क कंटिन्यू रहता है। तो फ्यूचर में वर्क का कंटिन्यू होना, स्टार्टिंग टाइम से वर्क का कंटिन्यू होना, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे, वे खेल रहे होंगे, इसमें क्या हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन 2 घंटे से खेल रहे होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं आपको स्ट्रक्चर में इसका पूरा डिटेल बताऊंगी, अभी आप ये जान लीजिए। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, पूरी की पूरी ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। और उसमें क्या होती थी फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, तो डिफरेंस है यहाँ पर टाइम दिया जाता है। अब दे विल हैव बीन प्लेइंग, ये तो आपका इतना हो गया। अब फॉर लगेगा या सिंस, मैंने आपको अभी तक दोनों वीडियो में आपको बताया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी, कि जहाँ पर ड्यूरेशन दिया जाता है टाइम का, काउंट किया जाता है कितना टाइम से, वहां पर हम हमेशा फॉर का यूज करते हैं। इस तरह से आप नोट करिए। और सिंस का क्या यूज करते हैं? जब स्टार्टिंग टाइम दिया जाता है, पॉइंट दिया जाता है कि 4 o'clock से, हमने ये नहीं बताया कितने टाइम से, उसको कितना टाइम हो गया 2 घंटे 4 घंटे, उसने 4 o'clock से स्टार्ट किया, उसको हम बोलते हैं सिंस। यानी जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होती है वहां पर यूज होता है फॉर, और जहां पर केवल टाइम दे दिया मैंने, कोई कैलकुलेशन नहीं करी, वहां पर हम यूज करते हैं सिंस। वह 2 सालों से कठिन परिश्रम कर रही होगी, She will have been working hard. अब अगेन 2 सालों से कैलकुलेशन हुई, कितने सालों से? For 2 years. तो इस टाइप से हम लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ व्हेन टू यूज एट स्पेसिफिक टाइम, देखते हैं क्या है। By next June we will have been living in this house for 5 years. मैंने जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया जाता, लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। विल हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और इसमें हमको स्टार्टिंग टाइम दिया जाता है कि वर्क कब से स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो पॉइंट दिया जाए इसमें, चाहे वो ड्यूरेशन दी जाए, ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें भी एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर लेते हैं, टाइम के अंदर भी टाइम हम लगा देते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं स्पेसिफिक टाइम। जैसे कि देखिए, अगर मैं ये हटा दूं, we will have been living in this house for 5 years, हम इस घर में 5 सालों से रह रहे होंगे, ठीक है, मैं ये कह रही हूं। लेकिन बजाय इसके इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट लग रही है। अगर हम इसमें by next June लगा दें,
कि जो नेक्स्ट वाला जून आएगा, ये वाला नहीं, ये वाले के बाद जो नेक्स्ट वाला जून आएगा, तब से हम 5 साल से इस घर में रह रहे होंगे, तो मुझे एकदम क्लियर हो जाएगा हम कब से 5 साल से रह रहे होंगे। तो इसमें क्या हो गया, 4-5 ईयर्स, ये टाइम तो दिया ही और साथ में स्पेसिफिक टाइम दे दिया। तो इस टाइप से भी हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। बिफोर एंड होता है एक्शन, जब भी दो एक्शन होते हैं, अच्छा जब भी दो एक्शन होते हैं तो दोनों को भी फ्यूचर में नहीं बनते, एक हमेशा किसमें बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैंने आपको ये बात फ्यूचर परफेक्ट में भी बताई थी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी बताई थी, जहाँ टाइम क्लॉज होता है वहां पर कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होता। तो आप ये मिस्टेक मत करिएगा। देखिए जैसे मैं बताती हूँ, बाय द टाइम द गेस्ट अराइव आई विल हैव बीन कुकिंग ऑल डे, और इसमें मैंने कोई भी नहीं लगाया, कुकिंग ऑल डे, ऑल डे से ही हमको टाइम का पता चल गया कि मैं पूरे दिन काम कर रही थी। इसलिए व्हाई द टाइम गेस्ट आई विल हैव बीन कुकिंग ऑल डे, तो जिस टाइम से गेस्ट आए, आई विल हैव बीन कुकिंग, मैं पूरा काम कर रही हूंगी, मैं पूरे दिन कुकिंग कर रही हूंगी, यानी कि उनके आने से पहले ही मैं कुकिंग कर रही हूंगी। बाय द टाइम द गेस्ट अराइव, इसका मतलब क्या होगा, गेस्ट के आएंगे, जिस टाइम गेस्ट आएंगे मैं फुल डे कुकिंग कर रही हूंगी। इस टाइप से हमने यूज किया है। इसमें दो एक्शन हो रहे हैं, तो सबसे पहला एक्शन कौन सा होगा, मैं पूरे दिन कुकिंग कर रही हूँगी, क्योंकि गेस्ट आएंगे सपोज नून में आ रहे हैं, तो मैं मॉर्निंग से ही कुकिंग कर रही होंगी, लेकिन मैंने इसमें ये नहीं बताया कि मैं कर चुकी हूँ, वर्क इज स्टिल कंटिन्यू। इस टाइप से जहां भी दो एक्शन होते हैं तो कहां लगता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जो फर्स्ट एक्शन होता है, जो सबसे पहले हुआ है, तो जो मैं कुकिंग कर रही हूंगी वो मैंने पहले स्टार्ट कर दिया, गैस तो बाद में आएंगे, तो ऐसे यूज होता है। अच्छा, अब इसी के साथ यहाँ मैंने स्टार्टिंग वर्ब लिखा है, यहाँ मैंने रॉन्ग का मार्क लगाया, इसका मतलब मैं अभी तक तो बताती आ रही हूँ परफेक्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस फॉर्म में हम स्टेटिव वर्ब का यूज नहीं कर सकते। क्या होती है स्टेटिव वर्ब, जो एक स्टेट शो करती है, जिसमें कोई भी एक्शन नहीं होता। मैंने आपको पूरा सेपरेट बताया है, वीडियो बनाई है इसमें स्टेटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब, विक्स वर्ब के बारे में आपको बताया है, आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, मेरी वर्ब की प्ले लिस्ट में, उसमें आपको एक पूरा टॉपिक मिल जाएगा, तब आपको समझ आ जाएगा। इसी के साथ मैंने तीनों कंटिन्यूस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर और मैं एग्जाम्पल देकर बताया है कैसे हम यूज नहीं कर सकते, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी एक एक एग्जाम्पल, पास्ट परफेक्ट में भी एक एक एग्जाम्पल आपको दिया है। तो लव, हेट, नो, इस टाइप से जो शो करते हैं स्टेट, चाहे वो मेंटल स्टेट हो, इमोशनल स्टेट हो, फाइनेंशियल स्टेट हो, वो वर्ब हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। आप डिटेल में जाने के लिए मेरी वीडियो में जाइए। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस की। मैंने आपको हर वीडियो में बताती हुई आ रही हूँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम सिंपली कोई बात कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब की फॉर्म में आईएनजी, जैसा कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। ऑब्जेक्ट यानी बचा हुआ पार्ट, और इसके बाद हम यूज करते हैं टाइम का, सिंस या फॉर के साथ। तो मैं आपको दोनों वीडियो में बता चुकी हूँ, सिंस मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट से 4 o'clock, यस्टरडे इवनिंग, जिसमें हम ड्यूरेशन कोई भी कैलकुलेशन नहीं करते, और जिसमें आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन होती है उसमें हम यूज करते हैं फॉर, 2 years, 3 years, ईयर्स काउंट करने पड़ गए, 2 hours, 3 hours, कितने टाइम के लिए, और इसके साथ हम लगा देते हैं उससे रिलेटेड टाइम। तो आइए देखते हैं, लड़के 4 बजे से तालाब में तैर रहे होंगे, तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आता है हर में द बॉयज, फिर इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन, फिर इसके बाद इसकी मेन वर्ब क्या है, तैरना होता है स्विम, और स्विम में हम लगा देते हैं आईएनजी, तो बन जाता है हमारा स्विमिंग। अगर आपको स्पेलिंग वगैरह देखना है तो आप मेरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वीडियो में जाइए, उसमें मैंने आईएनजी बनाना आपको सिखाया है। इन द टैंक, यहाँ तक हमारा सिंपल हो गया। अब सिंस या फॉर, हम ये भी तो लिख सकते थे फॉर 4 o'clock, नहीं इसमें हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, मैंने क्या कहा, जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया जाए, वो 4 o'clock से तैर रहे हैं, इसमें ये नहीं बताया कितने घंटे के लिए तैर रहे होंगे,
ये नहीं बताया मैंने कितने घंटे के लिए स्विमिंग हो रही होगी, ये नहीं बताया 4 o'clock से स्टार्ट हो रही होगी, ये बताया। तो फिर इसलिए हम यूज करेंगे सिंस का, जहां पर हमें डेफिनेट टाइम मिल गया। इसके बाद दिन निकलने से पहले वे 1 घंटे से यात्रा कर रहे होंगे। सबसे पहले ढूंढिए सनसेट, वे मतलब दे, इसके साथ विल हैव बीन, इसमें कोई भी झंझट नहीं है, सिंगुलर प्लूरल सब में कौन सी क्या यूज होगी हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन, विल हैव बीन। इसके बाद ढूंढिए हेल्प मेन वर्ब ट्रैवल का, ट्रैवलिंग, ठीक है। अच्छा, 1 घंटे से फॉर एन आवर, वैसे मैं ये लगाती हूँ ना 1 घंटे से, इसमें ड्यूरेशन काउंट हो गया, 1 घंटे से, 2 घंटे से, कितने घंटे से, 1 घंटे से, फॉर एन आवर। अच्छा अब ये क्या, अब मैं अगर 2 घंटे की बात करूँ फॉर 2 hours ये लगाती, पर घंटा फॉर आर, तो आर के साथ एन लगता है आर्टिकल, फॉर एन आर बिफोर द डे स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कभी कभी 2 एक्शन होते हैं, तो ये वही वाला है। तो सबसे पहला कौन सा एक्शन होगा, दिन निकलने से पहले, दिन बाद में निकलेगा, उससे पहले ही हम स्टेशन यात्रा कर रहे होंगे, यात्रा के लिए रेडी हो गए होंगे, यात्रा कर रहे होंगे। तो जो काम पहले हो रहा है उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जो बाद में हो रहा है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों में फ्यूचर मत लगाना। बिफोर बिफोर द दिन निकलने से पहले, डे जो उसमें सब्जेक्ट डे स्टार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब में एस, यस सिंगुलर है तो वर्ब में एस लग जाएगा स्टार्ट्स, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि इसमें आप परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा दो और इसमें आप लगा दो प्रेजेंट, नो ऐसा नहीं। अच्छा अब फिर से थर्ड टाइप का एक सेंटेंस जो मैंने स्पेसिफिक टाइम वाला बताया था, इसको भी देख लेते हैं। जुलाई से वह इस स्कूल में 2 साल से पढ़ रहा होगा। अब सबसे पहले मैंने बताया आपको, लेकिन इसमें तो सब्जेक्ट आता है, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट पहले ढूंढ लीजिए, ठीक है ये हटा दीजिए पहले। पहले वह इस स्कूल में, तो वह का सॉरी मैं यहाँ गलती से भी लिखी हूँ, वह स्कूल में 2 साल से पढ़ रहा होगा, तो वह ही, ठीक है रहा होगा, ठीक है जेंडर है ही, मेल है। विल हैव बीन यहाँ तक क्लियर हो गया, पढ़ेगी स्टडी, स्टडिंग लगा ली, इन दिस स्कूल, ठीक है ये भी क्लियर हो गया। कितने सालों से, 2 सालों से, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया, कैलकुलेशन करनी पड़ी, तो क्या यूज होगा, फॉर 2 years, ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें लास्ट में क्या है, जुलाई से, तो जहां भी ऐसे यूज होता है स्पेसिफिक टाइम, वहां पर बाय का यूज करते हुए हम टाइम को लगाते हैं, जुलाई से, बाय नेक्स्ट जुलाई, या फिर हम कह सकते हैं अगली जुलाई से, यहां पर आप लगा दीजिए अगली जुलाई से, इस टाइप से आप कह सकते हैं जुलाई से, बाय नेक्स्ट जुलाई, बाय का यूज करते हुए हम टाइम को लगाते हैं, इसके आगे लगा दीजिए, बस सिंपल ही सेंटेंस था, ये ऐड हुआ है। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम, सेंटेंस की बात करते हैं, मैंने यहाँ नेगेटिव की जगह क्या लिख दिया है, बस अफर्मेटिव, बी सेंटेंसेस, सब नेगेटिव सेंटेंसेस, मैंने यहाँ अफर्मेटिव की जगह बस नेगेटिव लिख दिया है, तो नेगेटिव में नॉट लगेगा। अब मेन बात ये है, इसमें विल हैव बीन इतनी लंबी हेल्पिंग वर्ब है, तो नॉट कहाँ लगेगा देखते हैं, इसमें लगेगा विल के बाद, इसमें यहाँ पर लगेगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, बस ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, जो विल हैव बीन था, विल नॉट हैव बीन, विल के बाद नॉट लगेगा और हैव बीन पीछे चला जाएगा, ठीक है उसके बीच में आ जाएगा। देखिए लड़के 4 बजे से तालाब में तैर रहे होंगे, ठीक है तो तालाब में अब मैं नहीं लगा दूंगी, ठीक है तालाब में नहीं तैर रहे होंगे, सिंपल है, द बॉयज विल नॉट। अफर्मेटिव आप अच्छे से सीख लीजिए, इससे आप इंटरोगेटिव हर चीज पर ही डिपेंड होती है, बस थोड़ा इधर उधर हो जाता है, और नेगेटिव में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, बस एक नॉट लग जाता है, कोई भी चेंज नहीं होता ना कोई चीज इधर उधर होती। द बॉयज विल नॉट हैव बीन स्विमिंग इन द टैंक सिंस 4 o'clock, दिन निकलने से पहले वे 1 घंटे से यात्रा कर रहे होंगे, तो दे विल यात्रा नहीं कर रहे होंगे, पहले इसमें चेंज करिए, यात्रा नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट, बाकी मैं आपको सब बता ही चुकी हूँ, अभी अफर्मेटिव में जाके देखिए, They will not have been traveling for an hour before the day starts. जुलाई से वह इस स्कूल में 2 साल से पढ़ रहा होगा, तो 2 साल से नहीं पढ़ रहा होगा। By next July he will, यहाँ पर लग जाएगा,
he will not have been studying in this school for 2 years. ये देखिए, अब बात करते हैं interrogative sentences की. Interrogative sentences भी दो type के होते हैं, single and double. पहले हम बात करेंगे सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस यस और नो टाइप सेंटेंसेस, जिनका आंसर हम केवल यस और नो देकर करेंगे तो भी सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि अब यस वो काम हो रहा है या नहीं. और इनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है इंग्लिश में, और हिंदी में इनकी पहचान होती है क्या से स्टार्ट होते हैं. जैसे क्या हम अगले दिसंबर तक या 5 साल से रह रहे होंगे, तो अगर कोई पूछ रहा है क्या हम रह रहे होंगे और हमने बोला यस, तो क्या समझ जाएगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ रह रहे होंगे. पूरा सेंटेंस बोलने की हमें जरूरत नहीं है. और अगर हम बोलेंगे नो तो भी वो समझ जाएगा कि नहीं रह रहे होंगे. तो इस टाइप से पहले हम बात करते हैं सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस की, और इसलिए ना यस और नो टाइप सेंटेंसेस भी कहते हैं. जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल देके बताया, यस और नो से भी इनका पूरा मतलब निकल जाता है. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की. हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है हमेशा, मैंने आपको भी बताया सिंगल में, तो हेल्पिंग वर्ब लगा दी. उसके बाद आता है सब्जेक्ट, लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो विल है, बीन है, तो पहले विल के बाद ही सब्जेक्ट लगा देंगे. और उसके बाद बची हुई हेल्पिंग वर्ब का जो पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, विल सब्जेक्ट हैव बीन. ऐसे नहीं विल हैव बीन और सब्जेक्ट, ऐसे नहीं, ठीक है. इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, सिंस फॉर की तो अब तक आपको अच्छे से पहचान हो गई होगी. और इसके साथ ही हम लगाते हैं टाइम. क्या हम अगले दिसंबर तक यहाँ 5 साल से रह रहे होंगे, ठीक है. सबसे पहले हमें ढूंढना है विल, मतलब लगाना है विल, लगा दिया. अब हमें ढूंढना है सब्जेक्ट, हम वी, ठीक है. अब विल वी कंप्लीट करो उसकी हेल्पिंग वर्ब है विल वी हैव बीन. अब इसके बाद वर्ब लिविंग, यहाँ हेयर हो गया. अब फॉर या सिंस, मैंने क्या कहा इसको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो फॉर 5 ईयर्स और नेक्स्ट दिसंबर तक. जब भी हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं तो उसको हम हमेशा बाय का यूज करके लगाते हैं, बाय नेक्स्ट दिसंबर. ये हो गया. क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा भैया, ठीक है. अब विल लगा दिया. इसके बाद इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह आलसी लड़का, पूरा का पूरा देखिए सब्जेक्ट ही है. वह आलसी लड़का, लड़का होता तो बॉय लगाते, वह लड़का होता तो डेट बॉय लगाते, अब साथ में आलसी भी है तो लेजी बॉय भी लगा देंगे. तो विल ये रहा सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट है इसमें आपको. विल डेट लेजी बॉय हैव बीन, बचा हुआ पार्ट. इसके बाद सोने की स्लीप, तो स्लीप में लग गया है एनजी स्लीपिंग. अब कितने घंटे से, फॉर 2 आवर्स, इसमें भी सिंस नहीं लगेगा, काउंटिंग की बात हुई है. तो इस टाइप से यूज होता है हमारा, ठीक है. अच्छा, अगर हम इसमें नेगेटिव भी लगा दे तो क्या होगा, नेगेटिव इसमें नॉट, नॉट का यूज होगा, लेकिन नॉट लगेगा कहाँ, फिर वही बात, इंटरोगेटिव में कहाँ लगता है नॉट, सब्जेक्ट के बाद. ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे ना कभी मिस्टेक करोगे. सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट का यूज होता है. तो क्या वे अगले दिसंबर तक यहाँ 5 साल से, हमने यहाँ पर लगा दिया सपोज, नहीं रह रहे होंगे, क्या हम अगले, तो बस क्या चेंज करना है, विल बी, सब्जेक्ट ये है तो सब्जेक्ट कहाँ लगेगा, ये यहाँ पर. विल वी नॉट हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स बाय नेक्स्ट दिसंबर, बिल्कुल सेम रहा सेंटेंस. क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा, अच्छा सब्जेक्ट के बाद दैट लेजी बॉय, उसके आगे क्या लगा देना है आपको, नो. अगर आपको डायरेक्ट इंटरोगेटिव में परेशानी होती है तो पहले आप बिना इंटरोगेटिव के बना लीजिए और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दीजिए, नॉट. विल दैट लेजी बॉय नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, तो ये आपके होते हैं सिंगल इंटरोगेटिव. नाउ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्वेश्चन वर्ड से हम क्वेश्चन पूछते हैं. तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल, प्लस विल के बाद सब्जेक्ट हैव बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस ऑफ टाइम. अच्छा ये अभी मैंने सिंगल इंटरोगेटिव बताया है जो सेम ही है, बस उससे पहले क्या लगा दिया है, या क्वेश्चन वर्ड, बिल्कुल सिंगल इंटरोगेटिव की तरह ही है. विल लगता है, विल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बचे हुआ पार्ट हेल्पिंग वर्ब का. तो देखते हैं, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे होंगे. अच्छा
अब मैंने क्या कहा इसमें, उस पे विल से स्टार्ट होता था हेल्पिंग वर्ड से इसमें क्वेश्चन वर्ड, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, ये क्यू, ये इसमें क्वेश्चन वर्ड है, तो क्यू का मतलब वाई, वाई इसके बाद सेम विल हेल्पिंग वर्ड का एक एक वर्ड लिख लीजिए विल, और इसके बाद सब्जेक्ट वे मतलब दे, और इसके बाद बची हुई हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है बी, इसके बाद नष्ट वेस्टिंग देयर टाइम ऑब्जेक्ट, अब इसके बाद सिंस 5 o'clock, सिंस क्यों लगाए, क्योंकि हमने ड्यूरेशन की बात नहीं की, फोन नहीं लगेगा 3 की, 3 घंटे से 4 घंटे से, हमने 5 o'clock एक टाइम दे दिया, 5 o'clock से स्टार्टिंग टाइम की, हाँ इतने से उनका स्टार्ट हो गया वेस्ट करना टाइम, क्यों नष्ट कर रहे होंगे, तो व्हाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस 5 o'clock, लड़के 2 बजे से कहाँ खेल रहे होंगे, अब फिर से क्वेश्चन वर्ड, कहाँ मतलब वेयर, ठीक है वेयर, इसके बाद विल, इसके बाद सब्जेक्ट द बॉयज है बीन, इसके बाद खेलने की प्लेइंग, अच्छा 2 बजे से ये भी स्टार्टिंग टाइम हो गया, सिंस 2 o'clock, इसके बाद वह सुबह से हमारा इंतजार क्यों नहीं कर रहा होगा, अच्छा अब मैंने इसमें लगा दिया इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव, तो उसमें भी कहां लगेगा नॉट, वही बात सब्जेक्ट के बाद, वह सुबह से हमारा इंतजार क्यों नहीं कर रहा होगा, तो सबसे पहले क्यों वाय, फिर इसके बाद विल, इसके बाद ही, फिर इसके बाद है बीन, ऐसा ही होता था अगर मैं इसको नेगेटिव नहीं बनाती, ठीक है वेटिंग फॉर अस, इसमें फॉर सिंस टाइम वाला नहीं है, हमारा इंतजार उसके लिए भी हम फॉर यूज करते, फॉर अस वेटिंग फॉर यू, हे आई एम वेटिंग फॉर यू इस टाइम, ठीक है अब मॉर्निंग, ये भी फिक्स टाइम हो गया मॉर्निंग, ठीक है इसमें मैं काउंट तो नहीं करा, कैलकुलेशन तो नहीं करी, सिंस मॉर्निंग, अच्छा ऐसे होता, अब बस इसमें हमें क्यों नहीं नेगेटिव लगाना है, सब्जेक्ट का ही के बाद लग जाएगा नेगेटिव, व्हाई विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग, तो इस टाइप से यहाँ पर हमारे इंटरोगेटिव यानी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खत्म होता है, इसी के साथ टेंसेस, मतलब कोई स्ट्रक्चर बचा ही नहीं, कोई टेंसेस बचे ही नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, ठीक है लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन प्रेस करिए जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए, तो अगर आपको अभी तक किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट है, अभी मैं इसका सेकंड पार्ट बचा है टेंस का, तो एक्सेप्शन जैसे कि मैंने बताया था कॉमन मिस्टेक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी, लेकिन अभी तक कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मेरी मेल आईडी पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में लास्ट टॉपिक के साथ टेंस के, ठीक है टिल देन बाय बाय।